नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूँ आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां संचारी रोग से बचाव के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अलीगंज में स्थित बाल महिला चिकित्सालय से साफ सफाई का संदेश दिया। इस मौके पर लखनऊ विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर नीरज बोरा, प्रमुख सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, अपर नगर आयुक्त ललित कुमार सहित नगर निगम के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने स्वच्छता को लेकर संदेश देते हुए कहा कि मच्छरों से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए घरेलू उपाय करें। घरों में पानी जमा ना होने दें, क्योंकि डेंगू का मच्छर गंदे पानी में ही पनपता है। वहीं उप मुख्यमंत्री ने संचारी रोग से बचाव के लिए नगर निगम की साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को हरी झंडी दिखाई, जिसके बाद इलाके में ड्रोन के जरिए एंटी लार्वा और साथ ही साथ फॉगिंग का छिड़काव किया गया। माताजी परेशान, पिताजी परेशान, डॉक्टर परेशान, अस्पताल परेशान, और मच्छर काटेगा तो डेंगू हो सकता है। और मच्छर को पाला किसने है बताओ भैया, किसने पाला मच्छर को? बच्चे बताएंगे मच्छर कौन पालता है, कैसे करेंगे? मच्छर भगाएंगे ना, बोलो तुम लोग, मच्छर भगाएंगे बताओ, भगाएंगे? आप मोहल्ले में कोई घर बचता है सबकी कुंडी। लखनऊ से सीनियर संवाददाता रितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।